हाय स्टूडेंट, GIT का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे HTML के कुछ बेसिक टैग के बारे में कि HTML में अगर हम लोग देखें तो कुछ बेसिक टैग कैसे काम करते हैं और ये कैसे यूज किए जाते हैं। अब इसमें ध्यान दीजिए, जैसे सबसे पहले अगर हम लोग लगाते हैं तो पहले क्या लगाते हैं? डॉक टाइप लगाते हैं। अच्छा भी ले लेना, पहले समझ लो। सबसे पहला टैग क्या दिया है? डॉक टाइप। अब देखिए कह रहा है कि सभी HTML पेज डॉक टाइप से ही शुरू होते हैं और कह रहा है यह ब्राउजर को HTML के वर्जन के बारे में जानकारी देता है कि ये जो भी आप डॉक्यूमेंट टाइप यूज करेंगे ना, डॉक टाइप, ये आपके ब्राउजर को बताएगा कि जो भी आप कोडिंग कर रहे हैं ये किस वर्जन के हिसाब से आप कर रहे हैं, वो सारा किसके किसको बताएगा? ये ब्राउजर को। और अगर HTML कि जहां पे अगर जो हम सबसे पहले डॉक टाइप लगाते हैं ना, डॉक टाइप के नीचे हमको क्या लगाना होता है? HTML। और HTML में कह रहा है यह HTML पेज का रूट एलिमेंट होता है और कह रहा है यह पूरे पेज को डिफाइन यानी कि परिभाषित करता है। HTML अगर हम लोग न लगाए ना तो हमारा कोई वेब पेज तैयार नहीं होगा। अगर जो एक वेब पेज तैयार करना है, एक पेज पूरा कंटेंट हमको तैयार करना है, तो हमको सबसे पहला टैग क्या लगाना होगा? HTML। और HTML के नीचे आए तो अगला दिया आपको हेड। क्या दिया है? हेड। हेड में क्या कह रहा है? तो यह एलिमेंट एक ऐसा कंटेनर होता है जिसका इस्तेमाल वेब पेज के अतिरिक्त जानकारी को स्टोर करने के लिए किया जाता है कि अगर जो कोई जानकारी आप स्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए फिर किसका इस्तेमाल करेंगे? यहाँ पे हेड टैग। जैसे देखिए यहाँ दे रहा है, इस एलिमेंट में मेटा डाटा और डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी मौजूद होती है। कि हेड टैग में जब जाएंगे ना, इसमें आपको जानकारी दिया जाएगा कि आपका डेटा किस प्रकार का है, डॉक्यूमेंट टाइप है कि इमेज टाइप, ये सारा आपको किसमें बताएगा? हेड टैग। और हेड टैग के अंदर ही आपको लगाना होता है टाइटल। हेड टैग के अंदर क्या लगाना होता है? टाइटल। टाइटल क्या है? कह रहा है इस एलिमेंट का उपयोग वेब पेज के टाइटल को लिखने लिखने के लिए किया जाता है। टाइटल का मतलब क्या है? जैसे सपोज कि हम एक ब्राउजर ओपन किए, सर्च कर लिया यहाँ पे कोई ब्राउजर, जैसे हमने ई डिस्ट्रिक्ट ले लिया, पहले लिंक पे क्लिक की, तो ई डिस्ट्रिक्ट लेने के बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? ई डिस्ट्रिक्ट होम लिखा हुआ आ रहा है ना, यही हमारा क्या है? टाइटल। अब जो भी हम टाइटल यहाँ देना चाहते हैं उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? टाइटल टैग। जो आगे कह रहे हैं यहाँ पे, यह टाइटल ब्राउजर में दिखता है अगर इस एलिमेंट को हेड टैग के अंदर रखा जाता है। जो टाइटल टैग होता है ना, इसको किसके अंदर रखा जाता है? हेड के अंदर। और यही टाइटल टैग क्या करता है कि आपके ब्राउजर के टाइटल पे दिखाई देता है कि आपने कौन सी वेबसाइट ओपन किया। सपोज करिए हम ब्राउजर पे आ गए, बहुत सारे आप लोगों ने ब्राउजर सर्च किया होगा, जैसे इस बार हम GIT पडोना सर्च कर लिए, तो आपको यहाँ पे टाइटल में देखिए क्या दिख रहा होगा? GIT पडोना दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है यहाँ पे? GIT पडोना। दूसरा कोई वेबसाइट ओपन करिए, ऐसे आपको बार बार टाइटल दिखता रहे ना कि इसमें आपने क्या ओपन किया, इसमें क्या ओपन किए, ये सारा किसके माध्यम दिखता है? जैसे सर हम सर्च कर लिए ईवे बिल, पहले लिंक पे क्लिक कर दिए, अब ईवे बिल जैसे हमने सर्च किया तो ऊपर टाइटल में क्या दिख रहा है? ईवे बिल सिस्ट दिख रहा है ना। तो सारा टाइटल देने का काम कौन करता है? टाइटल टैग। और हाँ, इस टाइटल टैग को हेड टैग के अंदर ही लगाना होता है, इसके बाहर नहीं लगाना होता। जैसे सपोज करिए आपने यहाँ पे हेड टैग ओपन कर लिया, क्या ओपन कर लिए? हेड टैग। तो हेड टैग ही हमने ओपनिंग टैग बताया था और क्लोजिंग टैग के लिए हमने बताया था, पहले आपको क्या करना होगा? इसी में फॉरवर्ड स्लैश देना होगा, फिर आगे आपको क्या लिखना होगा? हेड लिखना होगा, और फिर इसको क्या करना होगा? क्लोज। तो ये आपका ओपनिंग टैग और ये क्या है? क्लोजिंग। इसके अंदर आपको क्या लिखना होगा? टाइटल टैग लगाना होगा। इसके अंदर क्या लगाना होगा? टाइटल। और फिर आगे कह रहा बॉडी। बॉडी क्या है? ध्यान रखिएगा, जितना आपको कंटेंट देना होता है, जो भी कुछ दिखाना होता है ना, यहाँ कह रहा है कि यह एलिमेंट वेब पेज पर मौजूद सभी कंटेंट को ब्राउजर में दिखाता है, कि जो आप हेड सेक्शन में लिखेंगे ना वो आपको पेज पे दिखाई नहीं देगा, लेकिन जो आप बॉडी सेक्शन में लिखेंगे वो सारा का सारा कंटेंट आपको ब्राउजर पे दिखाई देता है। जो आगे कह रहा है बॉडी के अंदर सभी कंटेंट आते हैं, जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज और वीडियो। कि आप क्या क्या लगा सकते हैं? हेडिंग लगा सकते हैं, कहीं पैराग्राफ लिख सकते हैं, कहीं इमेज लगा सकते हैं, या फिर कहीं वीडियो लगा सकते हैं। अगर ये सारा आप काम करना चाहते हैं तो वो किसके अंदर करना होगा?
बॉडी के अंदर। और आगे कह रहा है यहाँ पे यचवन, यचवन क्या है, यचवन क्या है, कह रहा है इसका प्रयोग हेडिंग बनाने के लिए किया जाता है, कि अगर जो आपको कोई हेडिंग तैयार करना हो ना, कोई हेडिंग बनाना हो, तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम, यचवन का। आगे कह रहा है यह सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग होती है, ध्यान रखिएगा हेडिंग एक नहीं बल्कि हेडिंग 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, जो हेडिंग यचवन से लेकर के और टोटली यच6 तक होता है, कहाँ तक, यचवन से लेकर के और यच6 तक हेडिंग काम करता है। बट डिफरेंट इसमें ये है ना कि सबका कंटेंट धीरे धीरे छोटा होता हुआ चला जाता है। यचवन सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा यच2, उससे छोटा होगा यच3, उससे छोटा होगा यच4, ऐसे छोटा होता हुआ कहाँ तक चला जाएगा, यच6 तक। क्लियर है ना। अब देखिए इसमें आगे कह रहा अगला पैराग्राफ क्या है, कह रहा इसका इस्तेमाल पैराग्राफ लिखने के लिए किया जाता है, कि यदि आप कोई पैराग्राफ लिखना चाहते हैं आप किसका इस्तेमाल करेंगे, पी टैग, किसका इस्तेमाल करेंगे, पी। तो हाँ हाँ बिल्कुल, बिल्कुल, आप एक पेज बनाते समय आप एक बार नहीं बल्कि 1000 बार यदि H1 सिर्फ हेडिंग लगाना चाहते हैं ना, तो 1000 बार लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ऐसा नहीं कि एक जगह H1 लगा दी दूसरा H1 नहीं लगा सकता, ऐसा नहीं, आया समझे ना। अगर जो एक वेब पेज बना रहे हैं तो जितना बड़ा बनाएंगे हो सकता है बहुत सारी जगह हमको H1 का यूज करना पड़े, आया समझे ना, ऐसा नहीं कि H1 का यूज एक जगह कर दिया दूसरी जगह नहीं कर। और हाँ इसका एडवांटेज कुछ दिया है, इसके फायदे कुछ दिया है, HTML के क्या फायदे हैं। देखिए कह रहा है HTML का इस्तेमाल करना किसी भी यूजर और प्रोग्रामर के लिए आसान होता है, कि चाहे कोई भी HTML बना रहा हो, चाहे कोई प्रोग्रामर हो, वो क्या कर सकता है, आसानी से इसको यूज कर सकता है, कोई समस्या नहीं। और आ कह रहा है यह एक सरल भाषा है जिसे सीखना आसान हो, कि आसान देखा जाए तो क्या है HTML, जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। आगे दिया यह फ्री ऑफ कॉस्ट भाषा है, जिसका अर्थ यह है कि इस भाषा का उपयोग करने के लिए यूजर को सॉफ्टवेयर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत ऐसे कोडिंग है ना जो करने के लिए आपको उसको परचेस करना पड़ेगा लैंग्वेज, लेकिन यह एक ऐसा लैंग्वेज है ना कि जिसके लिए आपको परचेस करने की आवश्यकता नहीं। आगे कह रहा है यह लगभग सभी तरह के ब्राउजर को सपोर्ट करती है, आप लोग ब्राउजर देखेंगे बहुत सारे ब्राउजर होते हैं, गूगल क्रोम होता है, माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, ब्रेव ब्राउजर होता है, फायरफॉक्स होता है, बहुत सारे ऐसे आपको ब्राउजर मिलेंगे, लेकिन कोई ऐसा ब्राउजर नहीं है जहां पर HTML सपोर्ट ना हो। सभी ब्राउजर में HTML क्या करेगा, अपना काम करेगा। और आ कह रहा है इस भाषा को एडिट और मॉडिफाई करना आसान है, कि यदि आप एक बार लिख दिए कहीं आपको मिस्टेक लग रहा है तो बाद में आप उसको क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते। क्लियर है। और आगे जाए तो अगला दे रहा क्या है, इस भाषा का प्रयोग दूसरी भाषाओं के साथ भी किया जा सकता है, इसका प्रयोग PHP, जावास्क्रिप्ट और CSS के साथ किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि HTML अकेले काम करेगा, HTML के साथ और जो और भी भाषाओं का हम यूज करना चाहते हैं जैसे PHP हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, CSS हो गया, हम आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। PHP पाइथन होता है जिसका इस्तेमाल बैकवर्ड डेटा के लिए किया जाता है, मतलब जैसे ये है ना कि जैसे आप लोग फॉर्म भरते हैं ना, क्या करते हैं फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म में हमने अपना स्टूडेंट नेम लिखा, जो भी डिटेल हमने डिटेल लिखा, यहाँ से क्या कर दिए सबमिट कर दिए, क्या कर दिए सबमिट, सबमिट करने बस वो डेटा यहाँ से हमारे पास हट के जो वेबसाइट बना रहे तो उसके पास चला जाता है ना, तो वही PHP लेके जाने का काम करता आई थिंक है, समझे ना। हाँ PHP पाइथन के लिए यूज किया जाता है, आ रहे समझे ना। और PHP है क्या समझ लो, कि जैसे सपोज करो आप लोग फॉर्म ओपन करते हैं कोई भी ना, फॉर्म भरना है हमको, फॉर्म का डिटेल लिया और सबमिट कर दिए, वो डेटा हमारे पास से चला जाता है किसके पास, जहां वेबसाइट जहां उसका होल्ड एडमिन होता है उसके पास, आ रहा समझे ना। वो डाटा लेके जाने का काम कौन करता है, PHP। जावास्क्रिप्ट हमने बताया फंक्शन देने का काम करता है, यहाँ बटन क्लिक करें तो वहां पे फंक्शन काम करेगा, और CSS क्या करता है स्टाइल देने का काम करता है। तो HTML के माध्यम से यदि कंटेंट बना रहे हैं तो उसमें ये सारा फंक्शन देना होगा ना, फिर डाटा यहाँ भर तो कहीं और बैकवर्ड में चला जाए, जावास्क्रिप्ट उसमें हम फंक्शन दे सकें, CSS क्या कर सके उसमें स्टाइल दे सके। और आगे कह रहा है HTML को जिप फाइल में कंप्रेस किया जा सकता है, इसलिए इसके कोड को डाउनलोड करना आसान होता है।
जीप फाइल का मतलब समझिएगा, इसका एक फोल्डर बना सकते हैं, इसका क्या बना सकते हैं, फोल्डर बना सकते हैं, और फोल्डर बनाने के बाद हम उसके कोड को क्या कर सकते हैं, कहीं और रख के डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आ कह रहा है यह भाषा यूजर फ्रेंडली, यूजर फ्रेंडली का मतलब क्या, जैसे आप इसको बताएंगे ना वैसे वैसे ही आपका काम करते हुए चला जाएगा। यहाँ पे आपको H1 हेडिंग देना है, यहाँ पे पैराग्राफ देना है, यहाँ पे इमेज लगाना है, ये सारा काम कौन करेगा, HTML। और आ कह रहा है यह भाषा लाइट वेट है, अर्थात इसका साइज बहुत कम होता है। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कुछ वेबसाइट ओपन करते हैं ना, काफी स्लो चलता है, अरे समझे ना, होता क्या, हम ब्राउजर पे आ गए और किसी लिंक पे क्लिक कर दी, ये डिस्ट्रिक्ट पे आ गए और यहाँ क्लिक कर दी, तो कभी अभी देखिए कुछ टाइम ये ले रहा है ना, ये फिर तुरंत ही ओपन हो जा रहा है, कुछ ऐसे में बार बार रोटेट होगा, सर्च करेगा, सर्च करने में कभी स्लो जाके ओपन होता है, अरे समझे ना। तो उसको जो हम एचटीएमएल का जिसमें इस्तेमाल करेंगे ना, वो बिल्कुल लाइट वेट होता है, क्लिक करें तो तुरंत काम करेगा, वहां पर वेट करने का काम नहीं करेगा, ये भी उतना वेट नहीं कर रहा, देखो ये भी लाइट वेट ही है, और जब हम क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक कर दे तुरंत लेके आ कर जाए। उस समय क्या होता है, इसको ज्यादा लोग यूज करते हैं, जब कभी ज्यादा लोग यूज करेंगे ना तो ये थोड़ा सा नेटवर्क नेटवर्क की समस्या हो जाती है उससे, हाँ समझे ना। लेकिन लाइट वेट का मतलब यह है कि यदि आप वेबसाइट को अपना जितना फास्ट ओपन करेंगे उतना फास्ट ओपन कर सकते। और उसके आगे इसमें दिया है क्या, उसके आगे यहाँ पे दिया है, इस भाषा के द्वारा हम वेबसाइट में SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को सुधार सकते हैं। ये एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यदि आप इसका इस्तेमाल करेंगे HTML का ना, तो आप अपने पेज में क्या कर सकते हैं, सर्च बॉक्स को भी लगा सकते हैं। सर्च का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जैसे हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो वहाँ पे सर्च का ऑप्शन देता है ना, कि आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, तो सर्च और जो आपको देना है तो आप क्या कर सकते हैं, HTML के माध्यम से आसानी से दे सकते। इसके कुछ फायदे सिर्फ नहीं है, कुछ नुकसान भी हैं, जो दे रहा है, इस भाषा के स्ट्रक्चर को समझना काफी मुश्किल है, भाषा आप समझ सकते हैं लेकिन इसके स्ट्रक्चर को समझना मुश्किल है क्या। तो अगर जो हमको यहाँ हेडिंग देना, तो H1 का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट ये वाला ये छूट गया था क्या, देखो कह रहा है इस भाषा के द्वारा हम डायनेमिक वेब पेज नहीं बना सकते, इसके द्वारा हम केवल स्टेटिक वेब पेज बना सकते हैं। डायनेमिक और स्टेटिक का मतलब इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे, डायनेमिक रैम और स्टेटिक रैम। डायनेमिक रैम स्लोअर नेचर का होता है और स्टेटिक रैम क्या होता है, बिल्कुल फास्ट नेचर का होता है, आ रहा समझे ना। जब हम HTML का इस्तेमाल करेंगे तो उसके माध्यम से हम डायनेमिक पेज नहीं बना सकते, ऐसा नहीं बना सकते, हाँ कभी ऐसा हुआ कि हमको किसी को अपना पेज दिखाना चाहे तो थोड़ा सा स्लो चला, हम ऐसा पेज नहीं बना सकते इसके माध्यम से। जो भी हम पेज बनाएंगे वो क्या होगा, स्टैटिक बनेगा, यानी कि बिल्कुल क्या होगा, फास्ट ओपन होगा। अगला कह रहा है इस भाषा के स्ट्रक्चर को समझना काफी मुश्किल है। अब ऐसा नहीं है कि आप एक बार क्या कर दिए, समझ लिए हाँ HTML ऐसे काम कर रहा है, ऐसे करते हुए चले जाएंगे, अलग अलग आपको वेबसाइट बनाने के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर बनाना होगा, आ रहा समझे ना। और अगला कह रहा है इस भाषा को मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है। मेंटेन करने का मतलब क्या है, जैसे सपोज करिए कि आप एक बार कोडिंग कर दिए, कोडिंग करने के लिए एडिट करना चाहते तो कहीं से एडिट कर सकते हैं, लेकिन अगर उसको मिटा के फिर दोबारा लिखना चाहें तो आपको काफी मुश्किल होगा। क्यों, सपोज करिए कि हम ये मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया, हम यहाँ पे की H1 हेडिंग ले लिए, क्या ले लिए, H1 H1 के बजाय हमको H2 रखना था, मॉडिफाई करके इसको H2 कर सकते, हो जाएगा ना। लेकिन ये मेंटेन करना है कि हाँ H1 रखें तो इसके नीचे हम H2 रखें, H2 रखें कि ना रखें, या इसके बगल में हम पैराग्राफ रखें कि ना रखें, तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेंटेन करना काफी मुश्किल होता है। और जब आप इसके साइड में लिखेंगे तो कभी प्रॉपर काम करेगा तो कभी काम नहीं करेगा। और इधर ऐसे सिंपल पेज बनाने के लिए प्रोग्रामर को बहुत कोड लिखना पड़ता है, और ये बिल्कुल सिंपल पेज आपको बनाना है ना तो काफी सारा कोड लिखना होगा, तब जाके एक कोड आप एक पेज तैयार कर पाएंगे। जैसे सपोज करिए कि आपको एक अच्छा सा पेज बनाना है, तो H1 का यानी कि हेडिंग का इस्तेमाल करेंगे, पैराग्राफ का इस्तेमाल करेंगे, इमेज का इस्तेमाल करेंगे, उसमें CSS का इस्तेमाल करेंगे, तब तो जाके आप एक पेज का इस्तेमाल कर पाएंगे, एक पेज बना पाएंगे ना, इसके लिए ज्यादा कोड लिखने की आवश्यकता पड़ती है। और अगला कह रहा है इस भाषा की सुरक्षा बहुत कमजोर होती है और इसको हैकर आसानी से हैक कर सकते हैं, और जो ये भाषा होता है ना इसकी सुरक्षा ज्यादा नहीं होती है,
इसको हैकर जो होते हैं आसानी से क्या कर सकते हैं, हैक कर सकते हैं। है समझो क्या किया जाता है कि जब हम HTML कोई वेबसाइट बने पहले HTML से ही काम होगा, बाद में इसको सिक्योर बनाया जाता है। बाद में क्या बनाया जाता है, सिक्योर। समझिए हम आपको कुछ तरीका दिखा दे रहे हैं कौन सी वेबसाइट सिक्योर होती है और कौन कौन सी अनसिक्योर होती है। जो आप वेबसाइट पे जाएंगे ना, आप कुछ भी सर्च कर ले रहे हैं, आ रहा समझे ना, जब यहाँ क्लिक करेंगे ना तो आपको HTTPS लगा हुआ दिख रहा होगा। क्या लगा हुआ दिख रहा है, HTTPS लगा हुआ दिख रहा होगा। जहां पे यस जुड़ा होगा वो समझिए वो वेबसाइट क्या है, सिक्योर है। जहां पे HTTPS में यस लगा हुआ वो वेबसाइट क्या है, सिक्योर है। अभी अगर हम यस को हटा दें यहां से, यस को हमने क्या कर दिया, हटा दिया, इंटर कर लिए, इसमें तो बाय डिफॉल्ट लग जा रहा है ना। चलो हम अपने वेबसाइट में आते हैं, यस लगा हुआ है ना, यस के यहां से क्या कर दिया, हटा दिए। इनके जिसके सामने यस नहीं लगा रहेगा समझिए वो अनसिक्योर है। वो क्या है, अनसिक्योर है। तो सिक्योर HTTPS डोमेन नेम होता है जो वेबसाइट का एड्रेस लोकेट करके रखता है, हर समझे ना। और वही लोकेशन क्या कर दिया जाता है, सिक्योर कर दिया जाता है। जिसके सामने यस लग जाएगा समझो वो सिक्योर है, और जिसके सामने यस नहीं लगेगा, देखना अभी हम लोग जो क्रिएट करेंगे ना, तो फिलहाल अभी हम लोग का यस उसमें लगा हुआ नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि अब हम लोग का सिक्योर नहीं है। बाद में जब हम इसका सारा कोडिंग कर लेते हैं ना, तो अलग प्रोग्रामर के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसको सिक्योर बना सकते हैं। जब हम लोग होस्ट करेंगे ना, तो होस्ट करते समय क्या होगा, हम वहां पर अपने वेबसाइट को क्या करेंगे, परचेज करेंगे, और परचेज करके वहां पर अपने वेबसाइट को हम सिक्योर बना सकते हैं। आ रहा समझे ना, वो तब की बात है। लेकिन कोडिंग करने के लिए हमको किसका इस्तेमाल करना होगा, HTML। अब चलिए ये तो हम समझ गए कि हाँ, अगर जब हम HTML पे काम कर रहे हैं तो इसके बेनिफिट क्या होने वाले हैं, इसके नुकसान क्या होने वाले हैं, इतना क्लियर है ना। अब देखिए, अब हमको सबसे पहले HTML की कुछ कोडिंग करनी है। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था नोट पैड के माध्यम से, किसके माध्यम से, नोट पैड। हाँ, यदि आप कोडिंग करना चाहते हैं ना, आप बहुत सारे कोड का इस्तेमाल, बहुत सारे एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आ रहा समझे ना, तो यहाँ पे जो हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो VS कोड का इस्तेमाल करने वाले हैं। किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, VS। आखिर इन दोनों में अंतर क्या है, समझ लीजिए। यदि आपको कोई हेडिंग लिखना है ना, इसमें जब आएंगे नोट पैड में, आपको पूरा ऐसे लिखना होगा, H1 टैग को क्लोज करना हो, ऐसे करना होगा, फिर आपको आना होगा तो क्लोज वाला टैग लगाना होगा आपको खुद से। क्लोज वाला टैग क्या करना होगा, लगाना। लेकिन वही यदि आप VS कोड में आएंगे और सिर्फ यदि H1 लिख के और यदि आप इंटर करते हैं, अपने आप ये ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग अपने आप लग जाएगा, आपको लगाने की आवश्यकता नहीं। इतना क्लियर है ना, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, VS कोड। और ध्यान रखिएगा, VS कोड Windows 10 से ऊपर के वर्जन में काम करता है, Windows 10 के नीचे के वर्जन में काम नहीं करता। Windows 7 में आप यूज करना चाहें, Windows 8.1 में यूज करना चाहें, आप VS कोड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको आना होगा ब्राउजर पे और यहाँ पे सर्च कर लेना होगा क्या, VS कोड। अभी नहीं जानते हो देखो, कदे, देखो सबसे पहले तो आ जाओ किसमें, हम सबसे पहले आ गए अपने डेस्कटॉप। दिस पीसी दिया है ना, जब दिस पीसी पर राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज में जाओगे ना, तो भी बताएगा कौन सा विंडो है आपका। देखो Windows 10 बता रहा है ना, यहाँ पे प्रोसेसर रैम सारा चीज बताएगा, सारा इंफॉर्मेशन देगा। और विंडोज तो कोई भी इंस्टॉल कर सकते हैं, कंप्यूटर के कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो VS कोड है ना वो Windows 10 के ऊपर के वर्जन में ही काम करेगा। अब हाँ लगा सकते। अब देखिए करना क्या है, दूसरा तरीका क्या, आप लोग कंप्यूटर को Alt साथ F4 से बंद करते हैं ना, ऊपर क्या लिखा हुआ है, Windows 10 लिखा हुआ है, तो दूसरा ऐसे ही हम पहचान सकते हैं। जो भी वर्जन होगा, चाहे Windows 7 हो, Windows 8.1 हो, 10 हो, 11 हो, आप जब क्लोज करने जाएंगे तो सबसे ऊपर लिख के आएगा Windows 10 या 11, जो भी होगा। अच्छा क्लियर है ना, तो अभी हमारा Windows 10 है, तो फिर हम कहाँ चले आएंगे, ब्राउजर। ब्राउजर पे आने के बाद हमको सर्च कर लेना होगा VS कोड, जिसका पूरा नाम होता है विजुअल स्टूडियो कोड।
क्या होता है विजुअल स्टूडियो, हमने सर्च कर लिया वीएस कोड, और यहीं पे आपको एक डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा, दिख रहा है ना? आप पहले लिंक पे भी जा सकते हैं। जब पहले लिंक पे जाएंगे ना, तो आपको यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना होगा, दिख रहा है ना? या फिर जब आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाएंगे ना, तो आपको कुछ ऐसे सेक्शन दिखाई देगा, विंडो 10 के लिए कि 11 के लिए, दिख रहा है ना? या फिर अलग अलग अगर जो आपका है उसके लिए ले सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम मैकबुक का कोई है तो आप उसके लिए ले सकते हैं, एप्पल का अगर जो कोई हो तो। आ रहा समझे ना? हम लोग का कौन सा है, विंडो 10 है ना, तो हमको विंडो 10 या 11 पे क्या कर देना होगा, क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे देखिए सिस्टम में क्या होने लगा, डाउनलोड होने, ये डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद हमको क्या करना होगा, इंस्टॉल करना। हो गया डाउनलोड, चलिए हम सो इन फोल्डर पे आ जाते हैं, फोल्डर में दिखाई देगा पैर। आ गया वीएस कोड ना, दिख रहा है सबको? अभी हमको क्या करना होगा, ओपन करना होगा यहाँ से, क्या करना होगा, ओपन। हाँ, ओपन करने के बाद से आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, परमिशन दे देना हो। सबसे पहले हम इसके लाइसेंस को क्या कर लिया से, एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने के बाद से नेक्स्ट करें। ये पूछेगा किस लोकेशन पे आपको इंस्टॉल करके रखना है, तो ये जा रहा देखिए कहाँ पे, सी ड्राइव यूजर, उसके अंदर जीआई, जीआईटी के अंदर क्या है, एप डाटा है, और एप डाटा के अंदर क्या है, लोकल के अंदर क्या है, प्रोग्राम, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वीएस कोड के नाम से जा रहा है। यदि आप चेंज करना चाहते हैं तो ब्राउजर पे जाके क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते। नहीं चेंज करना, यही रखना है, फिलहाल यहाँ सेलेक्ट करके क्या करिए, डेस्कटॉप पे रखने से सिक्योर नहीं होगा, वो शॉर्टकट तो जाएगा ही, शॉर्टकट एप्लीकेशन का शॉर्टकट जाएगा, लेकिन उसका जो मेन डाटा होता है वो सारा उस लोकेशन पे जाके सेव होगा जो हम यहाँ से देंगे। अब आगे आपको एक इसी नाम से रखना है ना, तो ये नाम रख लेंगे विजुअल स्टूडियो कोड, नेक्स्ट करेंगे। आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई देगा, देखिएगा पहले करा क्रिएट ए डेस्कटॉप आइकन, कि आप डेस्कटॉप आइकन क्रिएट करना चाहते हैं ना, कि डेस्कटॉप पे आपको आइकन दिखाई दे वीएस कोड का, तो चाहते हैं तो इसको क्या कर लेंगे, क्लिक कर लेंगे। दूसरी चीज आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, एड टू ओपन विथ कोड, इसका मतलब समझिएगा कि यदि हम काम कर रहे हैं ना, तो कहीं ऐसा हुआ कि हम कोई फोल्डर बना दी, और फोल्डर पे यदि राइट क्लिक करें ना, तो ओपन विथ कोड का ऑप्शन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ओपन विथ कोड का ऑप्शन चाहिए, तभी तो हम कोड में डायरेक्टली जा पाएंगे ना, तो उसके लिए हम ये दोनों ओपन विथ कोड को क्या कर लेंगे, ऑन कर लेंगे। और जब आप ऑन नहीं करेंगे ना, दोनों को ऑफ रख के बिना ही नेक्स्ट कर देंगे, तो इंस्टॉल हो जाने के बाद भी ना, यदि आप राइट क्लिक करके यहाँ से ओपन विथ ऑप्शन ढूंढेंगे तो आपको मिलने वाला, अभी देखिए ओपन विथ कोड का ऑप्शन ही दे रहा है ना, हम इंस्टॉल कर लेते हैं इसको, ऑन कर दिए, नेक्स्ट इंस्टॉल करते हैं। अब हमारे सिस्टम में क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अब देखिए हमने ओपन विथ कोड को सेलेक्ट किया है ना, तो जब भी जब ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारे कंप्यूटर में, तो किसी भी फोल्डर पे आप राइट क्लिक करिए ना, तो आपको एक ऑप्शन देगा ओपन विद कोड, अभी दिखाई नहीं देगा, इसको इंस्टॉल हो जाने के बाद दिखाई देगा। अब आप कह रहा है लॉन्च वीएस कोड स्टूडियो, अभी आपको लॉन्च करना है, अभी नहीं करना है, यहाँ से क्या कर लेना है, फिनिश। वीएस कोड एप्लीकेशन आपके कंप्यूटर में दिखने लगा। अब देखिए अब क्या होगा, यदि आप किसी भी फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे ना, तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा ओपन विथ कोड का, किसका ऑप्शन दिखाई देगा, ओपन विथ। तो अभी हमको अपना फर्स्ट वेबसाइट बनाना है ना, तैयार करना भी नया सा, तो हम डेस्कटॉप पे नहीं रख के बल्कि डी ड्राइव में चले जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कंप्यूटर का सी ड्राइव से सिक्योर होता है डी ड्राइव, कभी कंप्यूटर फॉर्मेट हुआ तो सी ड्राइव का डेटा क्या हो जाएगा, और डी ड्राइव का डेटा बचाया जा सकता है। आया समझे ना, बचाया जा सकता है, हमारा डेटा भी क्या हो जाएगा, बच सकता है, इसलिए हम किस में आ गए, डी ड्राइव। और डी ड्राइव में आने के बाद पहले हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, न्यू पे गए और फिर कहाँ पे आ गए, और फोल्डर का नाम दे दिए HTML 7.2, अपने बैच का नाम दे दिए, फोल्डर का नाम क्या दे दिए, HTML 7.2, इतना हो जाएगा ना, यानी कि आज आपको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना होगा वीएस कोड, जो सिंपली आपको ब्राउजर पे जाना है और सर्च कर लेना है ओनली वीएस कोड, क्या सर्च करना है, वीएस कोड,
और आपको डाउनलोड वाले लिंक पे आ जाना है, और यहाँ से क्या कर लेना, विंडो 10 या 11 वाले पर क्लिक कर, डाउनलोड हो जाएगा, फिर इंस्टॉल कर लेना अपने कंप्यूटर में, हो जाएगा ना। हाँ क्या हुआ, अच्छा नहीं बता रहा अभी। इतना करने के बाद से आपको दिस पीसी में आना होगा, और फिर डी ड्राइव में आना होगा, फिर किस में आना होगा, और डी ड्राइव में आप जैसे फोल्डर बनाना चाहते हैं वैसे फोल्डर बना लीजिए। जैसे मैंने फोल्डर बनाया किस नाम से, HTML 7.2 के नाम। अब इसी पे हमको राइट क्लिक करना होगा, फोल्डर पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको आ जाना होगा किसमें, ओपन विथ कोड। जैसे हम ओपन विथ कोड में आएंगे ना, तो ये डायरेक्टली हमको लेके आएगा किस पे, वीएस कोड। किस पे लेके आया है, वीएस। यहाँ फोल्डर का नाम आपको दिख रहा होगा, और ये वर्जन देखिए हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, 1.85। जो लोग एस ये वीएस कोड का वर्जन यूज कर रहे हैं ना, कौन सा वर्जन है ये, 1.85। क्लोज कर दें यहाँ से। अब देखिए हमने यही फोल्डर बनाया ना HTML 7.2 के नाम से, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा फोल्डर क्रिएट करने के लिए। तो फोल्डर नहीं बनाना है ना, बल्कि फाइल बनाना है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा न्यू फाइल का, ऑप्शन किसका ऑप्शन दिखाई देगा, तो न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। और ध्यान रखिएगा जो आपका फर्स्ट पेज होता है ना, उसका नाम कभी भी इंडेक्स रखा जाता है, ताकि जो हमारा वेबसाइट है वो आसानी से पता कर सकता है कि हाँ ये इसका मेन पेज यानी होम पेज कौन सा है। इसलिए नाम क्या रखेंगे, इंडेक्स। आप कोई भी नाम रखेंगे काम करेगा, ऐसा नहीं नहीं काम करेगा, लेकिन एक वेब डेवलपमेंट का काम क्या है, वेब डिजाइनिंग का काम कि ये है कि यदि आप कोई भी पहली वेबसाइट बना रहे हैं ना, पहला कोई पेज है, तो आप उसका नाम क्या दे दीजिए, इंडेक्स। आप ABCD कुछ भी लिख के .html लगा देंगे ना, तो भी काम करेगा, ऐसा नहीं नहीं काम करेगा। लेकिन इंडेक्स लिखने से ये होगा कि जो हमारा ब्राउजर है वो तुरंत सर्च कर लेता है कि हाँ ये इंडेक्स का फाइल है, हमने क्या लिखा, इंडेक्स। और इसमें लिख देना होगा .html, क्या लिखना होगा, .html, फिर इंटर कर लेना हो जाएगा ना। अब इसके बाद से करना क्या है, सबसे पहले हमको यहाँ पे आना होगा। तो हम लोग क्या HTML का कोड लिख रहे थे ना, HTML, उसका से बॉडी, फिर हेड, ये ओपन कर रहे थे ना। अरे कोई वो हेड ओपन कर रहे थे ना, हम ये बता रहा है। तो यहाँ पे ओपन हमको नहीं करना है, यहाँ पे हम सिंपली क्या कर सकते हैं, बॉयलर प्लेट लेके आ सकते हैं। क्या लेके आ सकते हैं, बॉयलर प्लेट। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, बॉयलर प्लेट लाने से पहले इसमें एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करना होता है। क्या इंस्टॉल करना होता है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है कि जिसके माध्यम से आप डायरेक्टली यहाँ से लाइव कर सकें। लाइव का मतलब क्या है कि जो हम यहाँ पे कोड किए हैं ना, उसको ब्राउजर पे देख सकें कि इसका आउटपुट कैसे दिखेगा। तो इसके लिए देखिए हमारे कंप्यूटर में पहले से है, यहाँ पे दिख रहा है गो लाइव, ऑप्शन किसका दिख रहा है, गो लाइव का नीचे दिख रहा है ना। लेकिन नहीं होगा तो आपको किस में आना होगा, एक्सटेंशन, किस में आना होगा, एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन में आने के बाद से आपको यहाँ सर्च कर लेना हो क्या, लाइव सर्वर। क्या सर्च करना होगा, लाइव सर्वर। और यहीं पे आपको लाइव सर्वर वाले क्या करना होगा, क्लिक क्लिक करेंगे ना। तो देखिए अभी हमारे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल है, नहीं इंस्टॉल होगा ना, तो ये लाइव प्रीव्यू में देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है ना, वैसे ही इसमें लाइव सर्वर वाले में भी देगा। आइकन देख लीजिए, आपको बहुत सारे इसमें एक्सटेंशन आएगा, लेकिन यही वाला आपको इंस्टॉल करना है, दिख रहा है ना। तो अगर जो अनइंस्टॉल रहेगा तो आपको इंस्टॉल कर लेना होगा। जैसे इंस्टॉल करेंगे ना, तो ये काम क्या करेगा, आपके कंप्यूटर में यहाँ पे एक गो लाइव का ऑप्शन दे देगा, दिख रहा है ना, हो जाएगा। अब इसे हमको कोड करना है, कोड क्या करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे दे देंगे क्या, आपको एक्सप्लेनेशन मार्क जानते हैं ना, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये वन में आएगा, दिख रहा है ना। इसमें आपको सारा कोड लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक्सप्लेनेशन मार्क दीजिए और इंटर कर लीजिए, दिख रहा है सबको। अभी इंटर करने से क्या होगा, आपको कुछ ऐसे बना बनाया हुआ टेम्पलेट आ जाएगा। समझिए, हमने इसको लाने के लिए किसका इस्तेमाल किया, देखिए कंट्रोल ए से सबको सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिए हम, इस्तेमाल किया यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क, और क्या कर लिए, तो बना बना हुआ हमारे पास कुछ टेम्पलेट आ गया, और ये टेम्पलेट हम लोग बॉयलर प्लेट बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, बॉयलर प्लेट, कि जो हमारे कंप्यूटर में जो हमारा वीएस कोड है ना, ये बाय डिफॉल्ट आपको इतना कोड बना करके देगा, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं भाई। इतना क्लियर है ना। सर अब देखिए इसमें हमने क्या किया, जो डॉक्यूमेंट लिखा है टाइटल ना, तो ये आपको कहाँ दिखाई देगा, ऊपर वेबसाइट टाइटल पे जो हमने आपको अभी बताया था। यस सर तो हम यहाँ पे दे दिए क्या अपना, सर नहीं सिर्फ जीआईटी पढ़ रोन लिख दे रहे हैं, क्या लिख दे, जीआईटी पढ़ रोन लिख टाइटल। ये देखिए टाइटल किसके अंदर है, हेड के अंदर है ना, और उसके नीचे क्या दिया है, बॉडी बॉडी के नीचे हमने इस्तेमाल किया H1 और इंटर बटन दबा दिए। देखिए एक ओपन और क्लोज दोनों टैग अपने आप आ गया ना, यही नोट पैड में होता तो हमको लिखना पड़ता, अंदर समझ आ रहा है ना। तो यस थोड़ा सा हम नोट पैड से फास्ट इसमें कोडिंग कर, सर हो जाएगा ना। यस अब करना क्या है, अब हमको सबसे पहले H1 में हेडिंग देना है क्या, गायत्री, क्या दे देना है, गायत्री, हो जाएगा ना। सर कंट्रोल S से पहले सेव कर लेना, या फिर आपको यहाँ फाइल पे आना होगा, फाइल में आने के बाद यहाँ से क्या कर लेना होगा, सेव कर लेना। सेव हो गया है ना, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा गो लाइव, यस कब आएगा ये, जब एक्सटेंशन इंस्टॉल रहेगा, सर एक्सटेंशन है, आप गो लाइव पे क्या करिए, क्लिक कर दीजिए। थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, आ गया, लेके ऊपर टाइटल में क्या लिख के आया है, जी आई टी पर डॉन, उसके नीचे क्या लिखा है, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग जानते हैं क्या करिएगा, वीएस कोड में H1 से लेकर के H6 सब सारा हेडिंग लिख लीजिएगा। हमने ऊपर H1 लिखा ना, एंटर किए, और उसके नीचे हमने लिख दिया H2, और H2 के अंदर हमने लिख दिया पढ़ रहा हूँ ना, नहीं सिक्स तक, अगले हमने क्या लिख दिया, पढ़ रहा हूँ, एंटर कर लिए, फिर H3 लिख दिए, क्या लिख दिए, यस हमने क्या कर दिया, कुशीनगर, हमने क्या कर दिया, कुशीनगर। अब इतना पहले समझ लीजिए, और फिर इसको फाइल पे जाकर हम क्या कर लिए, सेव कर लिए। सेव करने के बाद से ना ब्राउजर पे आ जाएंगे, और एक बार अपने पेज को रिफ्रेश कर लेंगे। अब देखिए गायत्री, उसके नीचे पर डाउन, और उसके नीचे बिलाड कंटेंट छोटा दिख रहा है ना, धीरे धीरे हो जाएगा ना। तो ऐसे आप लोग ट्राई करिएगा, बताएंगे उसके लिए बहुत सारा कोडिंग अभी बताएंगे, अभी तो सिर्फ H1 पढ़ रहे हैं, हो जाएगा ना। तो ये हाँ क्या हुआ, हाँ तो इतना हो जाएगा ना, ये आज आप लोग ट्राई करिए लोग।